हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार नीत गोयल है। मैं आपके लिए लेके आया हिंदी व्याकरण की सेकंड सीरीज, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे तीन। आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का, अमीन का, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है वो सारे देते हैं, टेट का, सी टेट का, जहां पे भी हिंदी ग्रामर आती है, हिंदी व्याकरण आता है। ऐसे कुछ प्रश्न हम आपके लिए छाट कर लेके आए हैं जिनके सबके आंसर तीन होंगे। इससे पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं जिनमें सबके आंसर दो थे, इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर है तीन, थ्री। सबके उत्तर क्या होंगे? तीन। ये हिंदी की एक ट्रिक है ताकि आसानी से आप इन क्वेश्चन को याद कर पाए। तो शुरुआत करते हैं इसकी। भाषा के तीन रूप होते हैं या भाषा के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार की भाषा होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के तीन रूप या तीन प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भी तीन प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूं, अभिधा, लक्षणा एंड व्यंजना। व्युत्पत्ति या रचना, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के तीन भेद होते हैं, बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से। यह रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एंड योग रूढ़ शब्द, आपको याद रखना तीन, क्योंकि जो कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। कई बार ये सवाल आते हैं, आपने देखा भी होगा, और ये हमने सेलेक्ट करके आपके लिए बहुत ही कंसाइस वे में बनाई है वीडियो, जिससे आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी वीडियो को पॉज करके तुरंत सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपका नेट पैक वगैरह कई बार ऐसा होता है नहीं चल रहा है, नेट के टावर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लिया करें। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो आराम से आप इसको कर पाए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दोनों एक ही बात है। फिर होता है संयुक्त वाक्य, फिर है मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हुए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भी तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये पूरे के पूरे स्वर के बारे में मैं आपको पांच वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको स्वर, व्यंजन और वर्णमाला के बारे में बताया था। ये पांचों वीडियो ए टू जेड कैलेस की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां जाके आप इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो सारी हिंदी ग्रामर की वीडियो देख के जाइएगा, अगर आपका हिंदी का एग्जाम होना है। और अभी अभी हमने दो वीडियो और डाली है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके डाली है, उनको भी देख के जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित कई सारे क्वेश्चन कमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, या जो भी आपका अमीन का एग्जाम है, उन सब एग्जाम के लिए काम आने वाली है। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको अगर ऐसा लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। और इस बार का हमारा टारगेट है 40,000 लाइक का, और इतने लाइक अचीव कराने में आप मेरी पूरी मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। वैसे मैं आपको बता दूं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इनकी डिटेल भी मैं आपको दे चुका हूं, वर्णमाला हिंदी व्याकरण के नाम से मैंने आपको पांच वीडियो दी थी, उसमें दिया हुआ है, और इसमें मैं आपको पांच वीडियो दूंगा। इससे पहली वीडियो थी जिनके सबके आंसर दो थे, ये वाली वीडियो है जिन सब प्रश्नों के आंसर तीन है, इसके बाद मैं आपको एक चार वाली वीडियो दूंगा जिन सब प्रश्नों के उत्तर चार आएंगे, उसके बाद पांच वाली दूंगा जिनके आंसर पांच आएंगे, और एक वीडियो मिक्स वाली दूंगा जिनके आंसर 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26 जो भी मिक्स आते हैं, मिश्रित अंक। इन सब हिंदी के प्रश्नों के उत्तर अंकों में है। तो ये तीन के अंक वाले प्रश्न चल रहे हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ध्यान रखिएगा, यह सवाल कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, संस्कृत में तीन लिंग है और हिंदी में दो लिंग है। नेक्स्ट है काल के भेद कितने होते हैं? ये वाला कई बार क्वेश्चन आ चुका है, काल के तीन भेद होते हैं,
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल। ये तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल। ये तीन काल भविष्यत काल के भेद होते हैं। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर हिंदी में संज्ञा के तीन ही भेद होते हैं। वैसे संज्ञा पांच प्रकार की होती है, आपने सुना भी होगा, लेकिन हमने यहां पे कई बार सवाल आ जाता है और बच्चे इसका आंसर पांच लगाते हैं, जो कि गलत है। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी में संज्ञा तीन प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैंने आपको बताया था संज्ञा पांच प्रकार की होती है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो और भेद बतलाए जाते हैं हिंदी में, वो है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनमें कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। अगर खाली सवाल आए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा ना लिखा हो, बनावट, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर न पूछा गया हो, तो आप पांच आंसर लगाएंगे। अदरवाइज अगर रचना के आधार पर पूछे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भी भेद तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इनके पार्ट भी हो जाते हैं अलग अलग, वो संधि में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखना है संधि कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत लगा के आए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है स्वर संधि के कई पार्ट होते हैं, पांच छह संधि पढ़ी होती है, तो वो तुरंत सोचते हैं कि पांच या छह तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है। संधि के भेद या प्रकार तीन होते हैं, दोबारा से मैं बता देता हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, फिर इसके पार्ट हो जाते हैं स्वर संधि के और व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, वीर रस के कितने भेद हैं? वीर रस के तीन भेद होते हैं। वैसे रस जो होते हैं नौ होते हैं हमारे, लेकिन यहां सवाल पूछा गया वीर रस के कितने भेद हैं, तो वीर रस के तीन भेद होते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के तीन गुण होते हैं, काव्य के तीन गुण होते हैं। शैली के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? शैली, शैली के आधार पर काव्य के तीन भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। नाम सुन के ही बड़ा अजीब से लगता है चंपू काव्य, लेकिन पद और गद आपने पढ़ा होता है। ज्यादातर इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे दो लगा के आते हैं और उनका एक नंबर कट जाता है, बाद में आके देखते हैं कि ये तो तीन है। तो शैली के अनुसार काव्य के तीन भेद हैं, पद काव्य, गद काव्य और चंपू काव्य। बौद्धों के धर्म ग्रंथ क्या कहलाते हैं? बौद्धों के धर्म त्रिपिटक कहलाते हैं और ये तीन है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ये तीन पिटक त्रिपिटक कहलाते हैं, बौद्धों के धर्म ग्रंथ तीन होते हैं। नेक्स्ट है, नायिका के भेद कितने होते हैं? नायिका, जो नाटक में नायिका होती है उसके भेद होते हैं, उत्तमा नायिका, मध्यमा नायिका, अधमा नायिका। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, अगर आप गूगल में देखेंगे या विकिपीडिया में देखेंगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, लेकिन जो सबसे उत्तम आंसर इसका है, नायिका के तीन भेद होते हैं, उत्तमा नायिका, मध्यमा नायिका और अधमा नायिका। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के गुण होते हैं? प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के गुण होते हैं? तीन प्रकार के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन प्रकार के गुण मनुष्य के अंदर होते हैं। दुख, दुख कितनी प्रकार के होते हैं? ताप, यानी दुख और ताप कितनी प्रकार के होते हैं? ये भी तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये सारी की सारी वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये सारे हमने आपको दिए तीन, किन के आंसर तीन है। तो दुख होते हैं तीन तरह के, दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख। दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शरीर में कितनी प्रकार की अग्नियां? हमारे शरीर में तीन प्रकार की अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, चिताग्नि और भूताग्नि। तीन तरह की अग्नि हमारे शरीर में होती है, जठराग्नि, चिताग्नि और भूताग्नि। शारीरिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक दोष भी तीन प्रकार के होते हैं, वात शारीरिक दोष, पित्त शारीरिक दोष, कफ शारीरिक दोष। इन्हीं से सब बीमारियां बनती हैं, वात, पित्त और कफ। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में कितने लोक होते हैं? हिंदू धर्म में तीन लोक बताए जाते हैं, आपने सुना भी होगा, त्रिलोक जिसे हम बोलते हैं, पाताल लोक, पाताल लोक को हम अधोलोक के नाम से भी जानते हैं, भूलोक, भूलोक को मध्यलोक जहां पे हम रहते हैं यानी पृथ्वी, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक को बोलते हैं उच्चलोक, जहां पे भगवान का शायद वास माना जाता है,
तो हिंदू धर्म में तीन लोक हैं, पाताल लोक, भूलोक एंड स्वर्ग लोक। और ये सारे के सारे मैंने आपको आंसर दिए, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं किन किन क्वेश्चंस के आंसर तीन है, ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। इससे पहली वीडियो देखेगा जिसमें मैंने आपको दो आंसर बताए, यानी जिन सब प्रश्नों के आंसर दो हैं वो सारी वीडियो मैंने आपको दी है, और इसके बाद मैं आपको देने वाला हूं चार की, जिनके हिंदी व्याकरण में आंसर चार आएंगे वो वाली ट्रिक भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो इसे रिवाइज कर लेते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं, शब्द शक्ति के तीन रूप होते हैं, व्युत्पत्ति रचना दृष्टि के हिसाब से शब्द के भेद तीन होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन होते हैं, स्वर के भेद भी तीन होते हैं, व्यंजनों के प्रकार भी तीन होते हैं, संस्कृत में लिंग तीन होते हैं जबकि हिंदी में दो होते हैं, काल के भेद तीन होते हैं, भविष्यत काल के तीन भेद हैं, रचना के आधार पर संज्ञा तीन भेद की है, वैसे कुल पांच संज्ञाएं होती हैं, दो संज्ञाएं अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण है। और ये डिटेल में आपको बता चुका हूं कैसे आपको आंसर लगाना है। संधि के भेद तीन होते हैं, वीर रस के भी तीन भेद हैं, काव्य के गुण भी तीन हैं, शैली के अनुसार काव्य के भेद भी तीन हैं, बौद्धों के धर्म भी तीन हैं जो त्रिपिटक कहलाते हैं, नायिका के भेद भी तीन हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन गुण होते हैं, दुख ताप तीन प्रकार के होते हैं, शरीर में तीन प्रकार की अग्नि होती है, शारीरिक दोष तीन प्रकार के होते हैं, हिंदू धर्म में तीन लोक हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए हैं। अब इसकी पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अब वीडियो देख के तुरंत सब्सक्राइब को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल वाला आइकन जरूर दबा दें, इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बन जाएंगे, जैसे ही कोई वीडियो डालेगी उसी समय आपके यूट्यूब में मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। रोजाना आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर की सुपर ट्रिक हमने आपको दी है जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी, हमने आपके लिए लेके आए हैं जबरदस्त ट्रिक, हिंदी ट्रिक, जिसमें आंसर अंकों के आधार पे हमने आपके लिए क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आप आसानी से हिंदी को प्रिपेयर कर पाए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर करके जाइएगा। ए टू जेड करियर इज ऑलवेज विद यू। माय नेम इज डॉक्टर कुमारप्रीत गोयल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इवन यू कैन राइट योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9837282318। यू कैन कॉल मी एनी टाइम रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम अबाउट हिंदी। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें होगा हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर चार। वो वीडियो हम आपको देंगे, दो वाली वीडियो दे चुके हैं, तीन वाली वीडियो दे चुके हैं। और यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंपटीशन में सफल हो सकें।